टोडा के धनंदल बी पंचायत के डंडी गांव के कासम गुज्जर ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि इन्हें मुआवजा मुहैया कराया जाए। उन्होंने रफ्तार मीडिया से कहा कि पिछले वर्ष में रीछ के हमले में परिवार के 3 लोगों को घोर चोट आई थी, तो रीछ ने काफी जख्मी कर दिया था, जिसमें परिवार के 3 सदस्य, जिसमें कासम गुज्जर की पत्नी, बेटा शामिल है। और कासम ने कहा कि उपचार में इनका बहुत खर्चा आया था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक वाइल्ड लाइफ विभाग की तरफ से इन्हें कोई भी मुआवजा नहीं मिला है। तो कासम ने मांग की है कि इसे इनका मुआवजा दिया जाना चाहिए। सर आदाब। सर पिछले साल अरसे में मुझे रिछ ने पकड़ा था सर, मेरी हालत खराब कर दी थी, पूरा गला काट दिया सर, बचने की उम्मीद नहीं थी सर, छोटे छोटे बच्चे रह गए थे, तो अल्लाह ने कुछ किया, फिर मेरे भगवान ने मेरे पर रहम, फिर मैं बच गया सर। उसके बाद मेरी हालत, एक बीबी ये भी पकड़ी थी, एक बच्चा भी पकड़ा था सर, 3 घर के हम पकड़े थे सर, तो मेरी बचने की उम्मीद नहीं थी सर। ये दांत टूट गए थे सर, ये दांत भी टूट गए थे, बुरी मेरी हालत हो गई थी सर। आप मुझे दिया था गवर्नमेंट ने सर मकान का केस, 50,000 किश्त डाली थी, आज तक उसी पर गुजारा मैंने किया, वो मकान का मैं प्लाट पे नहीं लगा। आज ब्लॉक वाले बोलते हैं ये प्लाट मैंने का दूंगा, अब बोलते हैं इधर उधर से बोलते हैं गांव वाले प्लाट दे, 500 रुपया आपको देंगे, आप प्लाट दे दे। ये रिक्वेस्ट है सर, मुझे कुछ ना कोई मुआवजा मिलना चाहिए सर, छोटे छोटे बच्चे तो किस पर गुजारा करूँ, दिन लग सकता नहीं, मैं मार तोड़ गिनती बल्चा कुछ नहीं उठा सकता हूँ सर।